दोस्तों, आज हमारे ट्रिप का है दूसरा दिन। हम इस समय खड़े हैं कौसानी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। सुबह के लगभग 6:30 बज रहे हैं और हम सनराइज देखने के लिए अपने होटल की छत पे आए हुए हैं। हालांकि हमारे होटल की विंडो से भी बहुत प्यारा व्यू दिख रहा था और आप इधर देखिए कितना प्यारा व्यू है। सामने पूरी नीचे जो वैली आपको देखने को मिल रही है वो है सोमेश्वर वैली, और सामने तेज लाइट में चमक रही है त्रिशूल पीक। उधर लेफ्ट साइड में चौखंबा पीक चमक रही है, अलग ही दिख रही है चौखंबा पीक। मैंने केदारनाथ पीक के साथ ही देखा है चौपटा से। केदारनाथ पीक बिल्कुल लास्ट में है, बहुत हल्की सी विजिबल है, बट इस प्लेस से केदारनाथ पीक से लेके और पांचाचूली तक उत्तराखंड की पूरी रेंज हमें देखने को मिल रही है। इतना प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। कल तो यहाँ पे बादल छाए हुए थे, आज मौसम साफ हुआ है। रात को हम प्लैनेटोरियम जाएंगे और स्टार गेजिंग भी करेंगे। ये नज़ारा ऐसा है कि बस यहीं बैठे रहो, ऐसे ही देखते रहो। पीक आपको सामने दिख रही है, इंडिया की 10th हाईएस्ट पीक है, सॉरी वर्ल्ड की 10th हाईएस्ट पीक है ये। और माँ नंदा देवी दिख रही है, माँ नंदा देवी इस पूरी रेंज की हाईएस्ट पीक है और इंडिया की 2nd हाईएस्ट पीक है। उधर पांचाचूली ग्रुप दिख रहा है पूरा, मुंशियारी से इसका बहुत प्यारा रिश्ता है। गंगोत्री ग्रुप ऑफ ग्लेशियर दिख रहे हैं जिसमें केदारनाथ पीक है, चौखंबा पीक है, गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर उसके आगे है जो कि नहीं दिख रहा है, पूरा गंगोत्री ग्रुप है। त्रिशूल पीक के जस्ट लेफ्ट साइड पे जो पीक चमकना शुरू हुई है अब, ये नंदगुंटी है। थोड़ी देर में ये पीक्स और ज्यादा चमकने लगेंगे, सीन का मजा लेते हैं। तो आज है दूसरा दिन, कौसानी में हम इस समय खड़े हैं। अब समय है कौसानी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का, और हमने स्टे किया था कल माउंट वैली व्यू होम स्टे में। बहुत ही बढ़िया इनके रूम्स हैं और रूम से व्यू तो इतना कमाल का है, मैंने आपको वीडियोस में दिखाया भी है। हमारे साथ इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, क्या नाम है सर आपका? गोपाल है, गोपाल राणा। सर कौसानी में मतलब कैसा रहता है, टूरिस्ट वगैरह कब ज़्यादा आते हैं? सर इसका हमारा जो मेन सीजन रहता है वो मई जून का रहता है, और अक्टूबर में। अच्छा, तो अभी इस समय पे ऑफ सीजन है, लेकिन व्यू तो आपके होटल से कमाल का है। तो एवरेज मतलब कितना टूरिस्ट यहाँ आता होगा और क्या क्या जगह है कौसानी में घूमने का? मेन तो अट्रैक्शन हिमालय का है, जो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। हिमालय का शानदार व्यू जो हमने देखा, यही मेन अट्रैक्शन है यहाँ का। इसके अलावा सर यहाँ पर गांधी आश्रम है, सर काम करने के लिए आते, लेकिन 14 दिन रुके, इतना भाग्य हुआ। अच्छा, तो सेकंड स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी बोल के गए गांधी जी, इसलिए आज ही कौसानी जो गांधी जी की वजह से आज दिन। अच्छा, तो ऐसा यहाँ हमें गोपाल भैया बता रहे हैं कि गांधी जी 1929 में कौसानी आए थे और उन्होंने वहाँ पे एक अनाशक्ति के नाम से किताब लिखी, और जिस जगह वो ठहरे थे कौसानी उनको इतना भाग गया कि उन्होंने कौसानी को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी। इसी वजह से कौसानी फेमस है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार जो रहे सुमित्रा नंदन पंत जी, उनका घर भी यहीं पे है, उनकी जन्मस्थली भी यही है। पहले ही उत्तराखंड नहीं था तब, तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तो सुमित्रा नंदन पंत जी का यह घर है। इसके अलावा यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाके रुद्रधारी वाटरफॉल है, वहाँ पे मंदिर है, बहुत ही शानदार जगह है। तो हमारा आज सबसे पहला पॉइंट विजिट वही होगा, हम जाएंगे रुद्रधारी, उसके बाद हम जाएंगे अनाशक्ति आश्रम, फिर हम यहाँ से बैजनाथ के लिए निकलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चलिए चलते हैं।
अब हम शुरू करने जा रहे हैं रुद्रधारी महादेव मंदिर का ट्रैक। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो आसानी से यहाँ तक आने का 10 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, टूटा फूटा है, और कल यहाँ बारिश भी हुई थी जिसकी वजह से उसको कीचड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमें आने में खासी तकलीफ हुई है। ये रास्ता भी बिल्कुल कच्चा है, कोई इस पर अच्छा सीमेंटेड रोड नहीं है। आइए चलते हैं, मज़ा आने वाला है। पड़ा है फूल चाहिए। बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई है। क्या हुआ राजू? गाइड जरूर लेके आए। रास्ते में 2-3 जगह ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको किधर जाना है इस ट्रैक पे। और आगे तो मता तापमान के अनुरूप हमने कपड़े नहीं पहने थे, हमें गर्मी लग रही बहुत। पर ये ट्रैक जो है काफी खराब सड़क है और रास्ते में गंदगी बहुत है, जानवर भी मरे हुए पड़े थे। और ये सीढ़ियाँ जो हैं ऊपर जा रही हैं, और जहाँ ये सीढ़ियाँ ख़त्म होंगी वहीं पे वाटरफॉल आ जाएगा। चलिए चलते हैं। हम पहुँच चुके हैं रुद्रधारी महादेव के मंदिर। ये एक सिद्ध पीठ है और मंदिर के बिल्कुल पास में ही रुद्रधारी वाटरफॉल है। चलिए आपको दिखाता हूँ। सीढ़ियाँ नीचे जानी है उतर के। बहुत ही शांत वातावरण यहाँ पे है, सीढ़ियाँ थोड़ी छोटी हैं तो हमें ध्यान से उतरना है। हर हर महादेव। हम आ चुके हैं रुद्रधारी महादेव सिद्धपीठ मंदिर में। ये पीछे मंदिर है, आइए मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि हमें पंडित जी ने बताया कि इस स्थान पर कौशिक मुनि ने किसी समय पर तपस्या करी थी, और कौशिक मुनि के नाम के ऊपर ही इस स्थान का नाम कौसानी पड़ा है। और यहाँ पे 5 शिवलिंग हैं जो कि स्वयंभू हैं, यानी कि स्वयं प्रकट हुए हैं। बाकी अन्य ऋषि मुनियों की भी ये तपस्थली रही है। बहुत ही शांत वातावरण इस जगह का है और मन को एक अभूतपूर्व शांति मुझे यहाँ मिल रही है। आप भी इस जगह पर ज़रूर आएँ और परम आनंद प्राप्त करें। लगभग 20 मिनट में हम रुद्रधारी वाटरफॉल से बाहर तक आ चुके हैं। अब ये 10 किलोमीटर का रास्ता और कवर करना है हमें कौसानी तक। चलिए चलते हैं, ये रही हमारी बाइक।